यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग? अबे रुक जा, क्या हुआ? ये सब तू पहले भी कर चुका है। हाँ तो अभी कुछ और करना पड़ेगा तेरे को। अभी कुछ और मतलब क्या बोलूँ? क्या वो सब मैं नहीं जानता। अबे यार अभी कुछ और मैं क्या बोलूँ यार। अबे यार मेरी स्क्रिप्ट किधर गई यार? स्क्रिप्ट क्या ढूंढ रहा है? कभी स्क्रिप्ट बनाई है? नहीं, वैसे मैं स्क्रिप्ट तो नहीं लिखता, तो अभी क्या करूँ। चलो ठीक है गाइज, हम लोग अपना हर रोज का जो इंट्रो है वही बोल लेते हैं। तो यार गाइज, मैं स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का हमारी एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग गाइज फिर एक बार खेल रहे कार से लर सिम्युलेटर। यस, क्या बात है। तो यार गाइज, हम लोग इस वाले गेम में फिर एक बार आ चुके हैं। और गाइज, पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने फोर्ड ब्रोंको खरीदी थी। क्या बात कर रहे हैं? और फोर्ड ब्रोंको खरीद के उसको बेचा भी था, और उससे हम लोगों ने $1.5 लाख कमा लिए थे। वाओ, ब्यूटीफुल। वैसे सिर्फ फोर्ड ब्रोंको ही नहीं खरीदी थी, एक और गाड़ी खरीदी थी हम लोगों ने, लेकिन वो सस्ती थी। टोयोटा की कुछ चीरो का ऐसा कुछ मैंने नाम पढ़ा था उसका, चीरो का शायद कोई कुछ और पढ़ा था, लेकिन उसका मैंने आपको कमेंट सेक्शन में असली नाम पूछा था, लेकिन आप लोगों ने यार किसी ने भी बताया नहीं। वैसे आप लोग यार कोई भी कमेंट ही नहीं करते मेरे वीडियोस पे, तो मैंने खुद नहीं पता किया उस वाले गाड़ी का नाम। तो उस वाले गाड़ी का नाम यार भूल गया मैं। शिट। हाँ ठीक है, याद आया। तो उस वाली गाड़ी का नाम था टोयोटा कोरोला। यस, कोरोला, कोरोना नहीं है, कोरोला। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग क्या करने वाले पता है आपको? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे। तो गाइस, वैसे मैंने सुना है इस वाले गेम में ना वो मर्सिडीज की जी बैगन बीगन है। जी बैगन मतलब जी वैगन। यस, अच्छा तो वो भी मुझे खरीदनी है गाइस। जी वैगन अपनी यार एकदम फेवरेट गाड़ी है, एकदम माफिया टाइप गाड़ी होती है वो, ब्लैक कलर में क्या दिखती है, टौका एकदम। तो वो शायद अपने को ऑक्शन या फिर कार मार्केट में मिल सकती है, और कार मार्केट आज ओपन है, तो फटाफट चलते कार मार्केट की तरफ गाइज। इस तरफ अपना कार मार्केट है, और गाइज हम लोग पलक झपकते कार मार्केट में पहुंच चुके हैं। मगर यहाँ पर मुझे यार, अरे ये रही। अबे यार, वीडियो के एकदम शुरुआत में अपने को ये जी बैगन मिल, यार बार बार इस गाड़ी को मैं जी बैगन बोल के इसका यार इसको यार अपमानित कर रहा हूँ मैं। सॉरी यार गाड़ी, जी बैगन बुला रहा हूँ मैं तेरे को। साले इतने चौटे मारूंगा। तो यार गाइस, अपने को इस वाले कार मार्केट में जी वैगन मिल चुकी है, मस्त एकदम माफिया कलर में अवेलेबल है। तो हम लोग इसका रेट एक बार पूछ लेते हैं मोहतरमा को। थोड़ी मैनर सीख लो, एथिकेट सीख लो, तमीज सीख लो, और अपना काम धंधा ढूंढो कोई, ठीक है? ये क्या है? तो मोहतरमा, ये गाड़ी ओके, ये 1,15,000 की है, 1,15,365 रुपए। तो हम लोग इसको खरीद सकते हैं यार, $1.5 लाख है मेरे पास, तो मैं इसको ना जरा बार्गेन करके। ए, नहीं, अबे यार हक दिया। हर बार की तरह मैंने पागलपंती कर दिए गाइस, गलती से मैंने बाय बटन पर क्लिक कर दिया। मुझे वैसे बार्गेन करना था यार, इसको थोड़ा सस्ते में लेना था यार, लेकिन मैंने खुद को ही चुना लगवा लिया है। क्या बात है सर। चलो ठीक है, अपने पास अभी $40,000 बचे हैं। तो और अपनी पिछली वीडियो की हॉट सीलिंग गाड़ी फोर्ड ब्रोंको भी है इधर गाइस, इसका भी एक बार प्राइस में निकाल लेता हूँ। 59 की है, क्या ये अपने को 30,000 में देगी? 30,000 मिलेगी क्या? 30,000 में नहीं, हम नहीं देगा, भूल जावे। और देगी भी नहीं मुझे ऐसा लगता है। तो हम लोग और कोई गाड़ी देख लेते फटाफट यहाँ पर। ओके गाइस, तो ये ट्रक ना मैं बहुत दिनों से कार मार्केट में देख रहा हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। नसीब, रात हो गई और मुझे लगा यार ये अपनी गाड़ी चली गई, लेकिन नहीं है। अच्छा हो यार, इसको मैंने खरीद रखा था पहले ही, आते वक्त ही खरीद लिया था इसको, नहीं तो यार ये भी चली जाती यार। तो बाकी की गाड़ियां जा चुकी है, मैं इस वाले गाड़ी में बैठता हूँ और इसको लेके चलता हूँ अपने शोरूम पे। The next day. ओके ठीक है गाइस, तो सुबह हो चुकी है और अपनी जी वैगन चलो ठीक है, वो अपनी रस्ते पे खड़ी है, इसको हम लोग लेके चलते हैं फटाफट। 1 minute later. ओके गाइस, तो हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और हम लोग हमारे हनी सिंह से बात करते हैं। और हनी सिंह, इसके रिपेयर प्राइस देखो, 9,000 में ये रिपेयर होगी। क्या बात कर रहे हैं? चलो ठीक है, कर दे यार रिपेयर। और व्हील्स में एक बार देख लेता हूँ, व्हील्स अच्छे है यार इसमें वैसे।
A few inches later. Okay guys, तो बहुत सोचने के बाद मैंने ये वाले व्हील्स पसंद किए अपने गाड़ी के लिए, ठीक है? और पेंट वेंट कुछ है क्या? Okay, पेंट भी कर सकते हैं हम लोग व्हील्स को. गोल्डन कर ले क्या? ये गोल्डन सा लग रहा है मुझे. गोल्डन एक बार मैं पेंट कर लेता हूँ व्हील्स को. अबे ये हुआ नहीं क्या? ओके, तो व्हील्स को अब भी पेंट हो चुका है, ठीक है? हम लोग देख लेते हैं इधर व्हील्स कैसे दिख रहे हैं यार. मजा नहीं आ रहा है. चलो ठीक है, अपने को थोड़ी रखनी है ये गाड़ी, अपने को तो इसको बेचना है. तो फटाफट इसको लेके चलता हूँ अपने शोरूम पे और इसको बेचने के लिए लगा देता हूँ गाइस. One minute later. Okay guys, तो गाड़ी को लेकर मैं शोरूम पर आ चुका हूँ और अपने शोरूम पे यार गाइस फाइनली G-Wagon आ चुकी है. अपने शोरूम का ना गाइस अभी लेवल बढ़ चुका है. अभी ना अपने शोरूम पे G-Wagon टाइप एकदम माफिया टाइप और महंगी एकदम गाड़ी अपने शोरूम पर आती है गाइस. अपना ना गाइस एकदम अपनी लेवल बढ़ चुका है. चल तो इसको फटाफट ना गाइस मैं बेचने के लिए लगा देता हूँ. तो गाइस इसको मैं लेकर आया था 1,15,000 का. तो इसको मैं एक बार लगा के देखने वाला हूँ, एक बार 2,00,000 का लगा के देखने वाला हूँ मैं. क्या मैं इसको 2,00,000 में बेच पाता हूँ? पता नहीं. हम लोग डायरेक्टली 1,00,000 का प्रॉफिट कमा पाते हैं कि नहीं, ये मुझे देखना है, ठीक है? तो थोड़ी देर रहा, देखते हैं कस्टमर्स आने का गाइस. फटाफट कोई आ जाओ यार, मस्त एकदम माफिया गाड़ी है, ब्लैक कलर की, गोल्डन एलॉय व्हील. ओके बोल ही रहा था और एक कस्टमर आ चुका है अपनी गाड़ी के लिए मस्त एकदम. इससे हम लोग इंटरैक्ट करते हैं और ये दे रहा है अपने को 1,36,284 रुपया, मतलब डॉलर. इसको मैं थोड़ी देर ऐसे खड़े रखता हूँ, कोई और कस्टमर्स आए थोड़ा ज्यादा प्राइस देने वाला अपने को तो उसको मैं शायद बेचूं. थोड़ी देर रहा, देखते हैं और एक और कस्टमर्स अपने शोरूम पर, कस्टमर्स नहीं कस्टमर अपने शोरूम पर आ चुका है गाइस. हम लोग इससे इंटरेक्ट करके देख लेते ये अपने को ये अपनी गाड़ी, अपने को नहीं अपनी गाड़ी कितने में खरीद रहा है. ओके, ये भी 1,36,000 की ले रहा है यार, ठीक है? एक और कस्टमर आने का मैं वेट करने वाला हूँ अभी, ठीक है? 346 minutes later. तो गाइस शायद ना मैं इस वाली गाड़ी पे ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 का ही प्रॉफिट कमा सकता हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है. मैं काम करता हूँ, इन दोनों को भी एक बार ना रिफ्यूज कर देता हूँ और कोई कस्टमर आता है कि देख लेते अपन लोग. आज की इस वाली वीडियो में ना मुझे कुछ भी करके 2,00,000 डॉलर्स तो कमाने ही कमाने हैं. 2,00,000 से ज्यादा कमाएंगे तो भी चलेगा. वैसे एक और कस्टमर आ चुका है अपने शोरूम पे, ये भी 1,35 की मांग रहा है यार. मुझे नहीं लगता गाइस हम लोग इस गाड़ी को ना 1,45 से ज्यादा में बेच पाएंगे. फिर भी थोड़ी सी मैं राह देखता हूँ गाइस. Many hours later. Okay, 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 guys. तो मैंने बहुत देर राह देखी है और इस वाली गाड़ी के लिए ना गाइस सिर्फ 1,40,000 से लेके 44,000 तक ही कस्टमर आ रहे हैं. ये दोनों 1,35, 1,40 और ये 1,44 दे रहा है. तो मैं गाइस इसको गाड़ी बेच रहा हूँ फटाफट, 1,44 की मांग रही है. मैं इसको थोड़ा प्राइस बढ़ा कर बता देता हूँ, शायद ये खरीदे. तो मैं 1,50 इसको बोलकर देखता हूँ, शायद ये खरीदे 1,50,000, ठीक है? और ये ठीक है गाइस, तो अपनी गाड़ी 1,50,000 डॉलर में जा चुकी है, ठीक है? ठीक है, तो एक बात तो पता चली हम लोगों को कि हम लोग अगर 1,00,000 की कोई गाड़ी खरीदे तो उस पर हम लोग गाइज कम से कम 50,000 तक का मुनाफा कमा सकते हैं. देखते हैं कुछ कुछ गाड़ियों पे ये वैरी भी कर सकता है. The next day. Okay guys, तो सुबह हो चुकी है और आज गाइज कार मार्केट ओपन है. हम लोगों ने 1,76,000 कमा लिए है. हमें सिर्फ गाइज 2,00,000 करने के लिए सिर्फ अभी कितने रुपए चाहिए, तो 76 में और 4 डालो तो होते हैं 80, 80 में 20 डालो तो होते हैं 80 में 20 डॉलर दे 100, तो अपने को गाइज 24,000 डॉलर चाहिए 2,00,000 जमाने के लिए. तो फटाफट हम लोग चलते हैं कार मार्केट पे और कुछ गाड़ियां खरीद कर लेकर आते हैं. ओके गाइज, तो हम लोग कार मार्केट में आ चुके हैं और यहाँ पर मुझे बहुत सारी गाड़ियां दिख रही है. वैसे ये सब गाड़ियां मुझे नहीं खरीदनी. यहाँ पर ये टोयोटा की सुप्रा MK4 मुझे दिख रही है. इस गाड़ी का मैं प्राइस निकालता हूँ गाइज इन मोहतरमा से, तो ये 55,000 के अपने को मिल रही है यार अपने बजट में एकदम. हम लोग इसको खरीद सकते हैं. मैं फटाफट ना गाइज इसका प्राइस जरा कम कर मैं इसको 40 के एक बार देखता हूँ. 40,000 की दे पाती है क्या ये अपने को? तो 40 की नहीं दे रही है, 50,000, ठीक है? 50 की अपने को ये सुप्रा MK4 गाइज मिल चुकी है. और कुछ गाड़ियां मैं देख लेता हूँ हम लोग खरीद पाते हैं कि नहीं. तो यहाँ पर गाइज एक अपनी फोर्ड ब्रोंको भी है. तो गाइज मैं फोर्ड ब्रोंको को खरीदने का सोच रहा हूँ. फटाफट कुछ और गाड़ियां भी देख लेता हूँ मैं खरीद पाता हूँ कि नहीं. तो वैसे ये ट्रक भी है इधर और कोई गाड़ी. इधर ये ये वाली लैम्बोर्गिनी भी मिलती है क्या? ये वैसे कितने में है?
ओके ये एवेंटा डोर है, लैम्बोर्गिनी एवेंटा डोर, 544,000 की है। अबे यार नहीं खरीद सकते हम लोग इसको आज। वैसे यार गाइज अपना मेन गोल इस वाले गेम में ना ये वाली गाड़ी खरीदना, ये वाली गाड़ी यार मेरी यहाँ पर बुगाड़ी श्रॉम, हाँ सही में खरीदूंगा मैं इस वाली गाड़ी को गाइज। ठीक है तब तक हम लोग कुछ और गाड़ियों से काम चला लेते हैं फटाफट हम लोग। तो हम लोगों ने गाइज ये वाली सुपरा MQ4 को खरीद लिया है। तो अभी मैं खरीदने वाला हूँ फोर्ड ब्रोंको को। वैसे पिछली वाली वीडियो भी हम लोगों ने फोर्ड ब्रोंको पे ही बनाई थी। ठीक है तो 61 की मिल रही है अपने को, मैं इसको बोलता हूँ 55 तक आता है क्या, मैं देख लेता हूँ गाइज 55,000। ओके गाइज यार 55 की मिल चुकी है अपने को फोर्ड ब्रोंको। तो इसको ना मैं अभी के लिए गाइज अपने शोरूम पर टो करके भेज देता हूँ और आज मैं चला के लेके जाऊंगा गाइज टोयोटा सुप्रा MK4। यस और यहाँ पर भूकंप आया यार, भूकंप। ठीक है यार सुप्रा का आवाज भी एक नंबर है यार, आवाज देखो यार गाइज। 1 minute later ओके गाइज तो शोरूम के पास हम लोग आ चुके हैं, लेकिन डायरेक्टली शोरूम पे नहीं जाएंगे हम लोग, इसको पहले इधर रिपेयर वगैरह करेंगे, मस्त एकदम कलर देंगे सुप्रा को कोई तो, और फिर इसको लेके जाएंगे अपने शोरूम पे। ओके अ फ्यू इंचेस लेटर ठीक है गाइस तो अपनी सुप्रा MQ4 एकदम रेडी हो चुकी है, मैं इस वाले गाड़ी में बैठ लेता हूँ। यार अटक क्यों रहा हूँ यार, मैं ऐसे अटकता हूँ मैं, चलो ठीक है। द नेक्स्ट डे ओके 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 गाइस तो दोनों गाड़ियां मैंने शोरूम पर लाकर लगा दी है, मतलब ये वाली गाड़ी मैंने पहले लाकर लगाई थी और फिर इसको मैंने मस्त एकदम वहाँ पर हनी सिंह के पास जाकर मस्त एकदम पेंट वेंट और रिपेयर विपेयर करवा के मस्त एकदम तैयार कर लेकर आए हो। और इसको मैंने कुछ इस प्रकार का कलर देने का सोचा था मतलब यार वही पर मैंने कर दिया, जो अच्छा लगा वो मैंने कर दिया। ठीक है अभी फटाफट ना इन दोनों गाड़ियों को मैं मन नहीं चाह रहा है फिर भी इनको बेचने के लिए लगा रहा हूँ यार गाइस। ठीक है चलो 1 minute later ओके गाइस तो दोनों गाड़ियां मैंने 1,20,000 की लगा दी है और अपने सुपरा MK4 के लिए ऑलरेडी 2 कस्टमर्स वेट कर रहे हैं यार। तो इस चड्डी वाले भाई साहब को मैं पूछ लेता हूँ, 83,000 का मांग रहे हैं हरामखोर तेरी माँ का, शर्म करो भगवान से डरो। ये भी बे यार दोनों इधर से चले जाओ, दोनों चले जाओ, आप भी जाओ। चड्डी क्या चड्डी हरामखोर, चिल्लर लेके आए चड्डी में साले, ये मोहतरमा थोड़ी ना मुझे क्या कहते उसको बीमार सी लग रही है, 85 की मांग रही है, तू भी जा। ओके फोर्ड ब्रोंको के लिए ये अंकल जी आए, अंकल जी इधर व्हीलचेयर नहीं मिलती यार। वैसे ये 2-3 बार मैंने जोक मारा है पिछली वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हैं। वैसे ये देखो यार 89 को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता यार गाइस। तो 89,000 में अपनी ब्रोंको को मांग रहे हैं अंकल जी। ठीक है इसको भी ये भटकते आत्मा को पूछ लेता हूँ मैं, ये 92 की मांग रहा है, मस्त एकदम प्राइस मिल रहा है अपने को। रात हो गई यार, शिट सो लो अभी, क्या यार अच्छे कस्टमर्स आए तो चले गए। A few inches later. ओके गाइस तो और 2 कस्टमर अपने शोरूम पर आ चुके हैं, एक सुपरा के लिए आया है और एक अपने ब्रोंको के लिए आया है। वैसे दोनों जुड़वा भाई है, ये 89 की मांग रहा है ब्रोंको, ये 88 की। अबे यार ठीक है तो मैं इन भाई साहब को 95 की मांग रहे हैं ना, तो इनको मैं बेच रहा हूँ अपनी ब्रोंको गाइज। ओके गाइज तो अपनी ब्रोंको इस बार गाइज 1,00,000 की जा चुकी है। वैसे गाइज पिछली वीडियो में मैंने ब्रोंको को 97 का बेचा था, इस बार 3,000 का ज्यादा में बेच दिया। ठीक है तो अपने पास गाइज 1,52,000, फिर से $1,50,000 हो चुके हैं और अपना शायद ये सुपरा बेचने के बाद अपना आज का गोल $2,00,000 कमाने का गोल शायद कम्प्लीट हो सकता है। ठीक है 346 minutes later. तो मैं गाइज इन दोनों में से किसी एक को गाड़ी बेच रहा हूँ, अभी किसको बेचूं यार, लड़की को बेचूंगा तो आप लोग कहोगे यार लड़की है इसलिए उसको बेचा, और लड़के को बेचूंगा तो यार लड़की बेचारी बुरा मान जाएगी, क्या करे यार। आबरा का डाबरा क्या होता है यार, जादू थोड़ी कर रहा हूँ मैं। आधा पादा कौन पादा, रामू जी का घोड़ा पादा। तो गाइज पादा लड़की पर आ चुका है, तो मैं इस लड़की को ये गाड़ी बेच रहा हूँ। ठीक है तो ये 88 की मांग रही है, तो मैं इसको 95 तक लेके जाने की कोशिश करता हूँ, 95,000।
ठीक है, और ये 95 की जा चुकी है यार, 1 लाख की भी जा सकती थी मेरे हिसाब से। चलो ठीक है गाइस, अपने पास 2,47,000 आ चुके हैं एकदम आराम से। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और गाइस यार आप लोग वीडियो पे कमेंट नहीं करते, प्लीज यार अच्छे से अच्छे कमेंट कर देना यार, प्लीज।